तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से होली का पोस्टर कैसे बना सकते हो। तो पोस्टर तो आपने दोस्तों मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पोस्टर को बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको अपना फोटो लगा कर अपना नाम लिख कर इस पोस्टर को बनाना है, तो यहाँ पर आपको मैं उसी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, ये जो पोस्टर इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जो फाइल है उसमें पासवर्ड लगाओ, तो पासवर्ड आपको जो वीडियो में तीन जगह देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए भी बात करते हैं अपने इस बैनर को पोस्टर को कैसे आपको बनाना है। तो पोस्टर बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो करना गया है, आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जो ऐसा ही लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आपको जो उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो जो लिंक है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लिंक ब्राउजर में ओपन होती है आपको जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे मेरा फाइल का नाम होली करके लिखा गया है, और साइड में आपको छोटा सा एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी फाइल दिया आप उसको डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही दोस्तों आपका जो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे अभी आपको जो अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ये रहा मेरा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसे आप अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे, तो यहाँ पे अभी आपको अपने फ़ोन स्टोरेज के ऑप्शन पे आना है। तो मेरा ये रहा फोन स्टोरेज का ऑप्शन, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन स्टोरेज के ऑप्शन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, अभी आप जो भी ब्राउजर से जो कुछ भी डाउनलोड करते हो और वो डाउनलोड के जिस फोल्डर में ऐड होता है, तो यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में जाना है। तो जैसा कि अभी आपके सामने मैंने जो फाइल डाउनलोड पर लगाया हुआ, तो मेरा जो फाइल डाउनलोड होकर मेरा जो डाउनलोड का फोल्डर में ऐड हुआ है, तो मेरा ये रहा डाउनलोड का फोल्डर, चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो मेरा जो होली के नाम से जीआईएफ फाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है, यानी कि मेरा जो फाइल मैंने डाउनलोड पे लगाया था, मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरह से लिंक पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद अभी आपको जो इस फाइल पर क्लिक करना है, जैसे आप इस फाइल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो होली डॉट पीएलवी के नाम से मेरा फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी आप यहाँ पे नीचे देखोगे आपको जो स्टार्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन और सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन लिखा गया स्टार्ट टू डाउनलोड करके, यहाँ पे आप जो अपने इस फाइल को इसी फोल्डर में स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो स्टार्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करोगे। अगर आपको इस फाइल को किसी और फोल्डर में स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे जो सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो मेरा फाइल है, ये मेरा फाइल को जो इसी फोल्डर में जो स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो स्टार्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको जो वीडियो में तीन जगह और पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वो तीनों पासवर्ड यहाँ पे टाइपिंग करके लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको वीडियो में करना क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड को टाइपिंग करके लिखे हुए, लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो फाइल रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपका जो फाइल यहाँ पे देख सकते हो होली करके कुछ इस तरह दिखाई देगा फोल्डर के जैसा, तो आपको जो इस फोल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आप देखोगे आपको जो पील फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी आपको इतना काम कर लेना है, यानी कि आपको जो फाइल को डाउनलोड करके पासवर्ड डाल के उसको स्टार्ट कर लेना है कुछ इस तरीके, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फाइल को स्टार्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे अपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसके आपको होम पेज पे आना है, तो मैं यहाँ पे होम पेज पे आ चुका हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे आपको माई प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिल गया, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आओगे। यहाँ पे अभी आप देखोगे मैंने कई सारा पीएल फाइल को ऐड किया हुआ है, तो कैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है पीएल फाइल को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको बैनर में क्या क्या एडिटिंग करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहो। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कई सारे पील फाइल को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे चलिए भी बात करते हैं यहाँ पे अपनी पील फाइल को कैसे ऐड करना है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई जो मेरे पिक्सल एप्लीकेशन में ये जो माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपके पिक्सल एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, मेरे पिक्सल एप्लीकेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस ऑप्शन पर आना होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक और तरीका मिल जाता है। कौन सा तरीका, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो उस ऑप्शन पर जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन पीएलवी फाइल करके, तो आपको जो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आया था, वैसे मैं जो उस थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकता हूँ। तो मैंने आपको तरीका दोनों बता दिया, तो आपको जो भी पसंद है आप वो तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे साइड में आपको डॉट पीएलवी करके ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आप मैं डाउनलोड के फोल्डर में हूँ, क्योंकि जो मैं फाइल डाउनलोड का फोल्डर में ऐड हुआ था। तो अभी आप यहाँ पे देखो होली के नाम से मेरा एक फोल्डर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आपको जो इस फोल्डर पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको जो यहाँ पे पीली फाइल यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो अभी आपको यहाँ पे करना का है, अभी आपको अपने पीली फाइल पे इस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा आपके पीली फाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन लिखा गया ओपन ओनली करके, तो अगर आप अपने पीली फाइल को
पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हो, यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको ये आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन एंड ऐड करके। तो अगर आप अपने फिलहाल को पिक्सल एप्लीकेशन ओपन भी करना है और साथ में ऐड भी करना है तो यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो पील फाइल यानी कि आपको जो है पोस्टर बैनर आपके पिक्सल एप्लीकेशन ओपन भी हो जाएगा और आपके जो पील फाइल में ऐड भी हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। और अभी चलिए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है अपने इस पोस्टर में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फोटो, यहाँ पे दोस्तों अपना फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आप इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे फोटो रहेगा वो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से फोटो को डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आपको डिलीट करने के बाद अपना जो भी फोटो लगाना है उसको यहाँ पे अपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस के आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे। अभी आपके यहाँ पे अपने जो गैलरी में आपने जो भी फोटो रखा हुआ अपने इस पोस्टर में लगाने के लिए आप उस फोटो को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने में जहाँ से अभी मैंने आपको फोटो को डिलीट करके दिखाया आप उस फोटो को यहाँ पे जो सेट कर लीजिए, जहाँ से मैंने अभी आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फोटो लगाया था। तो वहाँ पे अपने उस अपने फोटो को जो सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ नाम भी लिखा हुआ है, यानी कि आप जिसका भी फोटो लगाओगे अपने पोस्टर में बैनर में आपको उसका नाम भी यहाँ पे लिखना होगा। तो नाम लिखने के लिए आप जो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको इसी टेक्स्ट पे डबल टाइप करोगे। डबल टाइप करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है उसको कट करना है। कट करने के बाद अपना जो कीबोर्ड इंग्लिश में रहेगा उसको आपको हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से। हिंदी में करने के बाद अभी आप अपने जिसका फोटो लगा हुआ है अपने बैनर में आप उसका नाम यहाँ पे टाइपिंग करके लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, यहाँ पे मैं डन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे मेरा नाम चेंज हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपने पोस्टर में बैनर में जिसका भी फोटो लगाओगे आप उसका नाम भी लिख सकते हो। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे साइड में देखोगे मैंने कुछ सोशल मीडिया का नाम भी डाला हुआ है, यानी कि यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यानी कि यहाँ मैंने जो तीन सोशल मीडिया का नाम डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो फेसबुक पे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो भी सोशल मीडिया का नाम है आप वो नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसको आपको कट करना है। कट करने के बाद अपने कीबोर्ड को जो इंग्लिश में करना है कुछ इस तरीके से। अभी आपका सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो भी नाम है आप वो नाम यहाँ पे टाइपिंग करके लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल की मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ लिख लिया, लिखने के बाद आपको डन करना है, यहाँ पे आपको ओके करना है। इतना काम करते हैं दोस्तों आपका ये भी टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, बस आपको यहाँ पे अपना फोटो लगाना है और आपने जिसका फोटो लगाया रहेगा आप उसका नाम लिखना है और यहाँ पे सोशल मीडिया का नाम डालना है। बस आपको इतना काम करना है और यहाँ पे आपको बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। इतना काम करते हैं आपको जो यहाँ पे होली का एक पोस्टर बैनर बन के तैयार होगा। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए। पीली फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और दोस्तों यहाँ पे अपना जो पोस्टर आप जो एडिट कर लोगे, बना लोगे, तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको डायमेंशन में एक डिफॉल्ट का ऑप्शन सिलेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पे आपको छोटा सा डॉट है उस डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी बैनर बना रहेगा, जो भी पोस्टर बना रहेगा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो बस दोस्तों आपको इतना ही काम करना है। तो जाइए अभी बनाइए होली का पोस्टर बैनर। तो चलिए मेरे को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।